किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों गन्ने की बुआई तो बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन सभी किसान भाइयों के लगभग ज़्यादातर यह सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनका जो गन्ना होता है, पौधा गन्ना हो या पेड्डी गन्ना हो, वह अच्छे से ज़्यादा टिल्लिंग नहीं कर पाता, उसमें कल्ले कम बनते हैं, जिस वजह से उत्पादन कम निकलता है। लेकिन किसान भाइयों आज हम आपको एक ऐसा स्प्रे बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल यदि आप अपने गन्ने के ऊपर करते हैं, चाहे वो आपका पेड़ी गन्ना हो या आपका पौधा गन्ना हो, दोनों ही गन्नों पर यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों जो आपके गन्ने में जो टिल्लिंग होती है वह बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उसमें कल्ले ज़्यादा बनेंगे और जो आपका ओवरऑल उत्पादन निकलता है वह बहुत ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। तो किसान भाइयों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, तभी आप एक अच्छी और सटीक जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों यदि आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं, जिस टॉपिक के बारे में भी नॉलेज लेना चाहते हैं, आपको खाद उर्वरक या किसी और भी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो बना करके देंगे। तो किसान भाइयों इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि पौधे गन्ने का हमारा जमाव कम क्यों होता है और उसमें टीलिंग ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं होती। पौधे गन्ने के बात करें तो किसान भाई उसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं। जुदाई ज़्यादा अच्छी ना करना, जुदाई ऊपर ऊपर रोटावेटर फिरा दिया लेकिन नीचे से मिट्टी ज़्यादा सख्त होना, और दूसरी सबसे बड़ी मुख्य होती है कि सब गन्ने की बुआई में संपूर्ण रूप से खादों का सही चयन ना करना। बात करें यदि पेड्डी गन्ने की, पेड्डी गन्ने में सबसे बड़ा मुख्य कारण तो यही होता है कि बहुत से किसान भाई जल्दबाजी में गन्ने कटाई करते हैं और गन्ने कटाई ज़्यादा ऊपर से कर देते हैं, या फिर वे सही समय पर उसका ध्यान नहीं रख पाते, जिस वजह से उनके जो खेत होता है उसमें फंगस या किसी और कीट का प्रभाव हो जाता है, जिस वजह से उनका गन्ना अच्छा टिलिंग नहीं कर पाता। लेकिन किसान भाइयों यदि आपके खेत में कोई कीट है वह भी दूर हो जाएगा, फंगस है वह भी फंगस भी दूर हो जाएगा, और यदि आपका गन्ना टिलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं कर रहा है तो इस स्प्रे कर लगने के बाद ही आपका गन्ना बहुत अच्छे तरह से टिलिंग करना लग जाएगा और आपको एक अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लेना है 1 किलोग्राम एनपीके 18:18:18। एनपीके 18:18:18 में आपको पता ही होगा कि 18:18:18% ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होती है। किसान भाइयों किसी भी फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों मुख्य तत्व बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। यदि किसी फसल में इन तीनों को ही ना दिया जाए तो उस फसल का होना असंभव है। किसान भाइयों यह सबसे प्रमुख खाद होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और आपको हमने एनपीके 18:18:18 इसलिए बताया है क्योंकि इसमें सल्फर होता है, आपको सल्फर अलग से लेने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको 1 किलोग्राम एनपीके 18:18:18 लेना है। और इसके साथ साथ ही आपको लेनी है 500 ml सागरिका। भाइयों सागरिका बहुत ही सूक्ष्म तत्व, बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है, इसमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमारी गन्ने की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं, जिसकी मदद से हमारे गन्ना टिल्डिंग अच्छा करने लग जाता है, इसलिए आपको 500 ml सागरिका यहाँ पर लेनी है। यदि सागरिका आपको नहीं मिलती है तो इसके जगह पर आप बायोबीटा या फिर अन्य किसी ग्रोथ प्रमोटर को ले सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी फसल कम खर्च में ले सके, इसलिए सागरिका सबसे प्रोडक्ट में, सबसे ग्रोथ प्रमोटर में सबसे सस्ती है, इसलिए मैं सागरिका आपको बताता हूँ कि सागरिका एक आप एक कम खर्च में ही एक अच्छी पैदावार ले सके। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या करें। किसान भाई इसके साथ साथ ही आपको लेना है 300 से लेकर 500 ml के बीच आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड हमारी गन्ने की फसल के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ह्यूमिक एसिड जो गन्ने की ग्रोथ होती है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, गन्ने की टिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसमें अच्छा फुटाव होता है, जड़ों का विकास ज़्यादा करता है ह्यूमिक एसिड की मदद से हमारी फसल, और जड़ों का विकास ज़्यादा अच्छा होगा तो किसान भाइयों हमारे कल्ले ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, इसलिए यहाँ पर आपको 300 से लेकर 500 ml के बीच ह्यूमिक एसिड अवश्य लेना है। और किसान भाइयों इसके साथ साथ ही आपको लेना है 500 ml लीजेंट, जिसे फिप्रोनिल बोलते हैं, आपको लिक्विड में लेनी है सारी चीज़ें। किसान भाइयों यदि आपके खेत में कोई रोग लग रहा है, कोई कीट है, तब आपको लीजेंट लेना है। किसान भाइयों यदि आपके खेत आपको लग रहा है कि आपके खेत में कोई कीट नहीं है, तब भी आपको इस समय पर 500 ml लीजेंट अवश्य ही लेना है, क्योंकि जब आप यूरिया का स्प्रे करेंगे, यानी कि एनपीके 18:18:18, सागरिका, ह्यूमिक एसिड, इन सभी का स्प्रे करेंगे तो जो हमारा वैरायटी 0238 बीज होता है, ज़्यादातर किसान भाइयों ने यही बो रखा है, तो इन आजकल के बीजों में जो हमारा फंगस होता है या फिर जो कीट होते हैं वह बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 500 ml रिजेंट भी लेना है। और इस तरीके से इन पाँचों की मदद से आपके गन्ने की जो खाद की मात्रा होती है वह पूरी हो जाती है। इनका आपको लगभग 150 से लेकर 200 लीटर पानी के साथ अपने गन्ने के ऊपर एक एकड़ के लिए स्प्रे कर देना है, और इस तरीके से आपको जो आपके गन्ने की टिल्डिंग होती है वह बहुत अच्छे तरीके से चलने शुरू हो जाएगी और आपको ओवरऑल एक अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। किसान भाई बात करते हैं कि पौधे गन्ने पर इसका स्प्रे कब करें और पेड्डी गन्ने पर इसका स्प्रे कब करें। जब लगभग एक
फुट का कल्ला आपके खेत से निकल जाए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था पर जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उस समय पर यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वह बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। और यदि आप पौधा गन्ने पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, जब आप अपने गन्ने में पहला पानी देने के बाद जब आपका गन्ना बाहर आ जाता है उस समय पर यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों, उस समय पर पौधे गन्ने में आप इसका इस्तेमाल करने से एक अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, पौधे गन्ने के लिए यदि आपने बुआई पर कीटनाशक डाला है तो इस समय पर स्प्रे के रूप में फिप्रोनिल को ना ले कीटनाशक, क्योंकि जो बुआई में आपने कीटनाशक डाल रखा है वह ही 30 से लेकर 40 दिन के लगभग काम करता है, इसलिए आप इस समय पर अपना दोगुना खर्चा ना करें। और ऐसे ही पेडी गन्ने की बात है, यदि आपने उस समय पर पेडी गन्ने में कीटनाशक पहले से ही डाल दिया है तो इस समय पर आप स्प्रे के रूप में कीटनाशक को ना लें। किसान भाइयों, याद रखिएगा, इस स्प्रे को हमेशा नमी में ही कीजिए। यदि आप सूखे में इसका स्प्रे करते हैं तो अगले दिन तुरंत ही स्प्रे करने के अगले दिन ही आपको अपने खेत में पानी लगा देना है। और यदि आपने पानी पहले ही लगा दिया तो पानी लगने के 3 से 4 दिन बाद जब आपके खेत में पैर बैठना शुरू हो जाए तो इस स्प्रे को आपको कर देना है। किसान भाइयों, यदि आप इस स्प्रे को करते हैं तो आप, यह बहुत ही कम खर्च में एक अच्छा स्प्रे है, यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको जो गन्ने की ट्रिलिंग होती है उसमें आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, आपकी गन्ने की ट्रिलिंग भी अच्छी होगी, उसकी पैदावार भी अच्छी निकलेगी। और किसान भाई, यदि आप शुरुआत से ही अपने गन्ने में एक अच्छी तरीके से ग्रोथ को बना करके, ट्रिलिंग को बना करके, उसके हरेपन को बना करके चलते हैं तो ओवरऑल लास्ट में आपको एक अच्छा उत्पादन ही मिलता है। लेकिन आप शुरू में जरा सी ढिलाई कर देते हैं और उस पर बाद में जाकर ज़्यादा खाद देते हैं तो वह ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, उसमें ज़्यादा बेनिफिट भी आपको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए आप शुरुआत से ही अपने गन्ने को एक अच्छी ग्रोथ की ओर लेकर के चले, सही से खाद की मात्रा डालें, सही से पानी की मात्रा डालें और इस तरीके से ही एक अच्छा किसान कहलाता है जो हर तरीके से, हर पूरे तरीके से अपनी फसल को एक अच्छी पैदावार की ओर ले जा सके। तो किसान भाई, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिल जाएगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।